हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सर यानी के एजियोट्रोप्स की, एजियोट्रोपिक मिक्सर की। देखो, एक कंसेप्ट नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी दो लिक्विड का मिक्सर है और उस मिक्सर में से ए और बी, सपोज करो ए और बी का मिक्सर है, दोनों लिक्विड हैं, दोनों ही वोलाटाइल हैं, और उस मिक्सर में से ए और बी दोनों को ही सेपरेट करना है। दोनों मिसिबल हैं, घुले हुए हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उसमें से ए और बी दोनों को ही सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है कि एक एग्जांपल के साथ देखो कि अगर दो कंपोनेंट हैं, ए और बी दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही मिसिबल हैं। सपोज करो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 200 केल्विन और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ए को बी से अगर सेपरेट करना है तो हम सॉल्यूशन को अगर 200 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें, 200 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें, तो सिर्फ और सिर्फ ए के वेपर बनते हैं, बी के वेपर नहीं बनेंगे, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन है और सॉल्यूशन को हमने 200 केल्विन पर हीट किया है, तो ए के वेपर बने। उन वेपर्स को हम किसी दूसरे कंटेनर में ठंडा कर लेते हैं तो उस कंटेनर में हमें ए लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है और बी पीछे रह जाता है, वेपर नहीं बनते उसके। तो इस टेक्निक को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ कंपोनेंट ले लें, सपोज करो दो कंपोनेंट है, एक है अल्कोहल और एक है वाटर। अल्कोहल हमने ली है लगभग 95%, वाटर 5%। अगर इस कंपोजिशन में अगर हम लेते हैं दोनों को, तो इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में से हम अल्कोहल और वाटर को सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, दोनों के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। हालांकि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351, बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। तो दोनों को जब हमने मिलाया, मिक्स किया, तो दोनों का ही जो, यानी कि दोनों को मिलाने से क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हो जाता है 350 केल्विन। यानी कि अगर हम 350 केल्विन पर हीट करते हैं, यानी कि दोनों से कम है टेम्परेचर, ये पहले तो यही आएगा, तो इस टेम्परेचर पर अगर हीट करते हैं तो अल्कोहल और वाटर दोनों के ही वेपर बनते हैं, किसी एक कंपोनेंट के वेपर नहीं बनेंगे। यानी कि अब इस केस में जो ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को नाम दे रखा है एजियोट्रोपिक मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर, ये नाम दे रखा है। तो यानी कि अगर वेपर बनेंगे तो वेपर्स में 5% ये होगा, 95% ये होगा, तो कंपोजिशन सॉल्यूशन की चेंज नहीं होगी।
यानी कि डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बनेगी एजियोट्रोप की, एजियोट्रोप या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। तो द सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर विदाउट undergoing any change in composition। composition में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, यानी कि जो वेपर बनेंगे उन वेपर्स में वाटर और अल्कोहल उतना ही जाएगा जितना लिक्विड के अंदर था, जो प्रोपोर्शन में जिस कंपोजिशन में लिक्विड के अंदर मिक्सर के अंदर अल्कोहल और वाटर था, जिस रेशो में था वो सॉल्यूशन के अंदर, उसी रेशो में उसके वेपर भी बनेंगे। मतलब बनावट चेंज नहीं होगी सॉल्यूशन की, अल्कोहल वाटर जो रिमेनिंग होगा हमारे पास उसमें भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 5% वाटर होगा, 95% अल्कोहल होगा। इसीलिए जो ये लाइन है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इस मिक्सर को डिफाइन करती है अच्छे तरीके से, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सर। यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हम, कोई और टेक्निक का यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। तो जो ये एजियोट्रोपिक मिक्सर है ये कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर, दो तरीके का होता है ये एजियोट्रोपिक मिक्सर, दो तरीके का। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का क्या मीनिंग है, अभी जो जस्ट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया अल्कोहल और वाटर का, वही एग्जांपल थोड़ा एक्यूरेसी से लेते हैं। तो यानी कि हमने लिया अल्कोहल 95%, कई बुक्स में 95.5% भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस वाटर मिलाया इसमें 5%, इससे हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्यूरेसी से अगर बताएं तो ये होता है 351.3 केल्विन, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन, लेकिन जो सॉल्यूशन बना इन दोनों के मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 351.1 केल्विन। यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट हुआ इसका, इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इसको लिंक करके देखते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, अगर उससे लिंक करके देखें
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था कि जो सॉल्यूशन था उसके अंदर बॉन्डिंग वीक हो जाती थी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता था एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यानी कि डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये डेफिनेशन आ जाएगी और ये इसका आ जाएगा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कोहल और वाटर की इस परसेंटेज के मिक्सचर को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। यानी कि इस प्रोपोर्शन में अगर अल्कोहल और वाटर हो तो हम उसे बोल लेंगे रेक्टिफाइड स्प्रिट। उसके बाद दूसरा आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बिल्कुल इससे अपोजिट होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका एग्जांपल लें, अगर एग्जांपल में हम एक्वस सॉल्यूशन ले HCl एसिड का, यानी कि वाटर 80% लें, लगभग 80% प्लस में HCl ले 20%। तो जो इससे सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में क्या नोटिस करेंगे, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन। लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा इससे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 383 केल्विन। यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा हो गया, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप सॉल्यूशन। तो अगर इसका लिंक करें उसी से नॉन आइडियल सॉल्यूशन से तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दोबारा बोल रहा हूँ, द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये दोनों डेफिनेशन थी, विद एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी आई होप।